बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं मुर्ग छोले। मुर्ग छोले बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर, आधा किलो चिकन, एक बाउल छोले हैं हमने बॉयल करके रख लिए थे। अब हम इसमें 4 घी के चमचे डालेंगे। चार घी के चमचे डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। डेढ़ चम्मच पिसी हुई मिर्चें, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच नमक, एक चम्मच लहसुन अदरक, ये देखें हमारा ये अच्छी तरीके से मसाला भून जाएगा। जब ये इसका मसाला भून जाएगा अच्छी तरीके से, इसके बाद हम डाल देंगे इसमें चिकन। चिकन डाल देंगे। जब इसके सारे टमाटर नरम हो जाएं मसाले के साथ, उसके बाद अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। ये देखें हमारा अच्छी तरीके से सारा मसाला भून चुका है, सारे टमाटर भी नरम हो गए। ये देखें अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। थोड़ी सी इसकी चिकन डाल के भुनाई करेंगे। ये देखें चिकन डालने के बाद अब हम इसको भुनाई करेंगे। भून रही है अच्छी तरीके से। ये देखें हमारी मुर्गी भून रही है अच्छी तरीके से, कितनी अच्छी लग रही है। अदरवाइज इसकी अच्छी तरीके से भुनाई हो जाएगी तो उसके बाद हम इसमें छोले डाल देंगे जो हमने बॉयल किए हुए थे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हमने इसमें पानी भी डाल दिए। ये देखें कितनी अच्छी लग रही है। अभी अच्छी तरीके से मसाले में भुन जाएगी चिकन। इसके बाद अब हम इसमें छोले डाल देंगे। ये देखिए हमारा मसाला सारा चिकन के साथ भुनना शुरू हो गया। इसका घी भी ऊपर आना शुरू हो गया हल्का हल्का सा।
अब जब इसकी चिकन की भुनाई हो जाएगी अच्छी तरीके से, उसके बाद अब हमने जो ये साबुत धनिया, लाल साबुत मिर्चे और सफ़ेद जीरा हमने पीस के रखा हुआ था, उसका भी हम एक चम्मच डाल देंगे। ये देखें अच्छी तरीके से भुन रहा है। हमने ये मसाले डाल दिए थे, साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और लाल साबुत मिर्च हमने पीस के रखे हुए थे, वो हमने डाल दिए। अब उसको डालने के बाद इसको 5 मिनट तक इसको चमचा चलाएंगे। इसके बाद अब हम इसमें छोले डाल देंगे। ये देखें अच्छी तरीके से भून रहा है। अब 5 मिनट बाद हम इसमें छोले डालेंगे। ये देखें हमारा मसाला भून चुका है, घी भी ऊपर आ गया। अब हम इसमें डाल देंगे छोले। अब हम इसमें छोले डाल देंगे। अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट तक